भाई बहुत दिनों बाद बहुत अच्छा मौसम और बहुत अच्छे लोग और बहुत अच्छी गाड़ी। वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, A599 रूट्स। आज हम लोग आए हैं ग्वालपाड़ी के पास अपनी जिमनी की ऑफ रोडिंग करने के लिए। मैं आपको बैक करके दिखाता हूँ, बैक में दिखाता हूँ, अभी दिखाता हूँ। बहुत दिन हो गए थे यार, हम लोगों ने गाड़ी ली है तब से इसकी कोई ऑफ रोडिंग नहीं हुई है। आज इसका ऑफ रोड टेस्ट होगा। आज मैं डिसाइड करने वाला हूँ कि क्या मैं अपनी गाड़ी के जो मेरे स्टॉक टायर्स आए थे मैं उन टायर्स को चेंज कराऊं, या मैं अपने इन्हीं टायर से मैं आगे अपनी चलाऊं। हाँ, तो बहुत दिन हो गए थे यार, हम लोगों ने कोई व्लॉग नहीं बनाया, हमने कुछ नहीं किया और हमारे से शॉर्ट्स आ रहे थे। तो आज बहुत अच्छा दिन है व्लॉग के लिहाज से, ऑफ रोडिंग के लिहाज से। तो चलो व्लॉगिंग करते हैं। बाय गॉड की कसम, पसीनों की तो गंगा जमुना सरस्वती बह रही है। गर्मी इतनी नहीं है जितनी ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिडिटी तो बैंड बजा के रखी हुई है। और आज की हमारी जो एक्टिविटी है वो सीमित है हमारी 4x4 ऑफ रोडिंग के हिसाब से। जिमनी आज कैसा परफॉर्म करती है देखते हैं। 4x2 में मड्स में तो मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, लेकिन बाकी के क्या ऑब्स्टेकल्स होते हैं देखते हैं। अभी हम बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम तरह वाली ऑफ रोडिंग नहीं करने वाले हैं, लेकिन जो भी होगी होपफुली अच्छी होगी। भाई गाड़ी में आ गए हैं, बाहर खड़े होने की हिम्मत नहीं थी जिस हिसाब से गर्मी में। गर्मी क्या है, ह्यूमिडिटी है, टेम्परेचर तो भाई 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, 34 डिग्री जो कि हमारी जिमनी ने हमें दिखा रही है। ये देखो टेम्परेचर बाहर 34 डिग्रीज है, लेकिन ह्यूमिडिटी का लेवल तो गजब है यार, गजब है। और वैसे भी गर्मी इतनी दुखी नहीं करती जितनी ह्यूमिडिटी दुखी करती है, और वही हमारे साथ हो रखा है। अभी थोड़ी देर में हम बिल्कुल गीले हो जाएंगे, ऑफ रोडिंग करेंगे तो हो सकता है शायद हमें एसी भी बंद करना पड़े क्योंकि गाड़ी के इंजन पे जोर पड़ेगा। और भी आए हैं शायद जो कि करेंगे, एक वाइट कलर की जिमनी और है हमारी, ब्लैक कलर की है, और वो हमारे मार्शल हैं जो कि हमें बताएंगे भाई ऑफ रोडिंग के ऑब्स्टेकल्स हमें कैसे कैसे क्रॉस कर रहे हैं। आई थिंक दे आर प्रिपेयरिंग देमसेल्व्स। और एक थार भी है, अब पता नहीं कि हमारे साथ करेगी या नहीं करेगी, अगर करती है तो बाय गॉड की कसम हमारे को थार और जिमनी दोनों के बीच का फ़र्क नज़र आ जाएगा। वैसे तो आप बहुत देख चुके होगे, लेकिन फिर भी एक और देख लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। भाई अब हो गई है स्टार्ट हार्ड कोर ऑफ रोडिंग। ये देखिए गाड़ी, वो भाई है जो हमें गाइड कर रहे हैं, और ये देखो ट्रैक। गाड़ी अभी 4 लो पे है और इसमें से निकालनी है, तो कल बारिश हुई थी तो कीचड़ वीचड़ भी अच्छा खासा है। ठीक, बारिश हुई थी तो कीचड़ वीचड़ भी अच्छा खासा है, और अब इसमें से निकलेगी गाड़ी। ये वाला हम करेंगे बाद में, मैं अब आपको दिखाता हूँ यहाँ से। देखो बड़े प्यार से निकल गई भाई, ये तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा ऐसे तो, प्रॉपर सही ऑफ रोडिंग भाई। ये देखो गाड़ी की कुछ इस तरह की हालत है, कोई दिक्कत नहीं हुई इसे। अब ये भाई थार वाले हैं, ये भी ट्राई करेंगे, ये थार भी जाएगी अभी, ये तो आराम से क्लियर करेगी, कोई इशू नहीं आया इसे। अब थार भाई वाले करेंगे, भाई अपना मोमेंटम बना रहे हैं। जिमनी ने कर ली तो थार भी कर ही लेगी। भाई मैं आपको बता दूं, ये गाड़ी जो चल रही है ना सारी 4 लो पे है, 4 हाई का नहीं है इसमें कोई भी ऐसा ट्रैक, बट 4 लो में सारी ये कवर कर रही है आराम से।
भाई थार ने भी कवर कर लिया, बट मैं आपको फ्रेंकली बताऊँ थार ने स्ट्रगल किया भाई। थार नहीं निकली जिस तरीके से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था इसमें, जिस तरीके से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था थार नहीं निकली। जिमनी अपनी ज़्यादा बढ़िया तरीके से निकल गई थी, पता नहीं भाई ने रेस ज़्यादा दे दिया क्या हुआ, बट नहीं। चलो भाई चलते हैं अपनी गाड़ी की तरफ। ये भाई नेक ऑब्स्टेकल है आपका, ये देखो ये देखो यार गाड़ी कितनी टेढ़ी हो रखी है भाई। ये देखो आराम से कर दे रही है यार, ऐसा कुछ फर्क पड़ ही नहीं था इसको फोर लो में तो। कोई ऐसा खास फर्क नहीं पड़ रहा भाई गाड़ी को, गाड़ी अपनी प्रॉपर चल रही है। घर वाले भाई भी लगे हुए हैं सेम ट्रैक पे, बिल्कुल लेफ्ट में काट के थार वाले भाई भी अपना बना रहे हैं। अब आ रहे हैं नेक्स्ट ऑब्स्टेकल भाई हमारी जिमनी की, करते हैं भाई। अब भाई नेक्स्ट ऑब्स्टेकल दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो ये है तगड़ा एडवेंचर भाई। अब जाएगी इस पे, ये भाई देखो नेक्स्ट ऑब्स्टेकल प्रॉपर। बस यार ये तो मैं 4x2 में ही चढ़ा दूँ बस, अच्छी बताऊँ तो बस इन्होंने बना दिया और करना है तो फिर मैं करवा रहा हूँ, बस इन्होंने बना दिया है और करना है तो फिर कर रहे हैं। बट हाँ वो वाला हार्डकोर है भाई, एक और जबरदस्त ऑब्स्टेकल, क्या बात है।